नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज के नौजतम के करंट अफेयर के वीडियो के साथ शुरू करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर देंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को और भारत के किस राज्य ने ये समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए हैं? तो कि राजस्थान और यूनेस्को ने एक समझौते पर सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए साइन किया है। तो यूनेस्को राजस्थान सरकार ने कई कलाकार समुदायों के लिए सामाजिक आर्थिक जो विकास है उनको बढ़ावा देने के लिए संगीत कला और शिल्प रूपों और राज्य की अन्य अमूल्य सांस्कृतिक जो विरासत है उनको बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाए हैं। यह परियोजना है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में अभी लागू की जाएगी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर दो। दो नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेलावेयर स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ सिस्टर स्टेट के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। बैठक के दौरान गिफ्ट IFSC यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल और फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ने सेवा और निवेश के जो अवसर को है उनके क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए बैठक पर चर्चा की। यह सहयोग जैविक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जीव विज्ञान और वित्तीय सेवाएं, पशुपालन और डेयरी, बंदरगाह सेवाएं जैसे क्षेत्रों को संबंधित है। अब गुजरात की जो राजधानी है वह है गांधीनगर और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? विजय रूपाणी। कौन? विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में किस मंत्रालय ने 25 नई मोबाइल जो साइंस म्यूजियम बस है उनका शुभारंभ किया है? तो वो क्या? सांस्कृतिक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी हाल ही में 25 जो नई मोबाइल साइंस म्यूजियम जो बस है उनका शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम मूल रूप से, अगर लोग सांस संग्रहालय का दौरा नहीं कर सकते हैं तो संग्रहालय को लोगों को उनके घर पर ही जाए के मिशन के साथ कब लॉन्च किया गया था? 1965 में। और मोबाइल साइंस म्यूजियम के रूम में से शुरू किया गया था 1965 में, जो NCSM का सबसे बड़ा और सबसे लंबा समय तक चलने वाला ये कार्यक्रम है। यह वैज्ञानिक शिक्षा और गैर जो औपचारिक तरीके के साथ शिक्षा के प्रयोग के रूप में समाज में एक वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने और अन्य क्षेत्र में युवाओं के जो लोगों के वैज्ञानिक स्वभाव है, रचनात्मक जो क्षमता है उनको बढ़ाने में यह सफल कार्यक्रम है, जहाँ MSI के कार्यक्रम शामिल होते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर चार। चार नंबर क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2019 को 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 18 अगस्त को कहाँ पर आयोजित किया गया था 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन? तो वो किया गया था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित जो सम्मेलन था उसका मुख्य विषय थी नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति। और सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आधारभूत ढांचों की सुरक्षा, उभरते साइबर खतरों, घटनाओं, चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई थी। अगर अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए, सभी प्रकार के PDF और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर विजुअल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें। वहाँ पर आपको सभी PDF और नोट्स आपको फ्री मिलते हैं। आगे देखेंगे करंट अफेयर के स्टेटस जीके के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक के साथ। और क्वेश्चन नंबर एक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो उनका नाम है राकेश भारती मित्तल। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी क्या है? तो राजधानी है किंशासा और उनकी जो मुद्रा है वह कांगलोस फ्रैंक। नोकरेक अभयारण्य कहाँ पर है? तो वह है मेघालय पर। कहाँ है? मेघालय पर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है? तो वह संदीप सोमानी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर पाँच, यस बैंक के CEO का क्या नाम है? तो उनका नाम क्या है? राणा कपूर। और मुख्यालय वो कहाँ पर है? बॉम्बे में। सभी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, PDF और नोट्स आपको भी मिलेंगे वहाँ पे। उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर हमारे कोई किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है और आपको गलत लगता है तो उसके जो राइट आंसर है आप हमारे नीचे कमेंट के द्वारा बतलाएंगे कमेंट में, ताकि सभी को पता चल सके सही आंसर का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।